अरे क्यों लड़ाई झगड़े पे आ जाओ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? वो उधर वो बहुत सारे मसाल मशाल। हाँ लगता है प्रबोध भाऊ गांव में आ गए काका। गोविंद से बाबा, गोविंद से बाबा। मावशी, मावशी दरवाजा उघडा, मला मदत करा, त्यांना त्यांना वाचवायचं। मावशी, मावशी, पुलिस के पास जाना है तेरे को, हाँ? पुलिस के पास जाना है तेरे को? ए, ये कह रहे? माझ्या वर चला, त्यांना वाचवायचं, चला ना। बहु को झूठ बोलाएगा, बहु मेरा बात सुना ना बहु। इस दिल दहला देने वाली घटना से 2 महीने पहले इस गांव में एक और अमानवीय अपराध हुआ था। एक युवक की हत्या करके उसके शव को पेड़ से टांग दिया गया था और 2 महीने बाद उसके पिता के हाथ पैर सिर्फ इसलिए काट दिए गए क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बेटे का शव चील और बाजों की खुराक बनने की बजाय 5 तत्वों में विलीन हो जाए। ये गाँव रिमोट एरिया में था, यहाँ से पुलिस स्टेशन भी लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए ना तो पुलिस को इन घटनाओं की कोई जानकारी थी और ना ही गांव के लोगों में प्रभात मोर्चा के खिलाफ आवाज उठाने का साहस। आखिर कौन था प्रभात और क्यों बना था प्रभात मोर्चा जिसका आतंक सहने पर मासूम गांव वाले मजबूर थे? लाड़ प्यार और ममता के चक्कर में हो गया। 8 महीने से अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी और आप हो कि मुझे ही कोसते रहते हो। तो क्या करूं? क्या नाम है तुम्हारे काका और काकी का? सचिन मनमाड़ी आणि इंदू मनमाड़ी और उनका बेटा माधव मनमाड़ी। सर बेटा भी लापता? हो साहब, लेकिन अभी तो बोला कि बेटा मुंबई में काम करता है। खरे साहब तुमचा, लेकिन सुना है कि माधव कल गांव आया था। सुना है मतलब? सर हुआ यूं कि हम दोनों काका से मिलने घर गए थे, तब वहां जाके देखा तो प्रभात मोर्चा लिखा है दीवार पे और काका काकी दोनों अंदर नहीं थे साहब। मतलब ये प्रभात कोई गांव का गुंडा है जिसने तुम्हारे काका और काकी को? लेकिन साहब उसके जात वाले उसको गुंडा नहीं समझते, मसीहा समझते। जब से गोविंद ने, गोविंद तुम क्या बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब मैं आपको प्रभात मोर्चा के बारे में सब सब बता देता हूँ साहब, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि साहब मेरे काका काकी और माधव इनके लापता होने के पीछे भी ये प्रभात मोर्चा है साहब। ये प्रभात मोर्चा जो है 8 महीने पहले बना, जब गोविंद और प्रभात की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। वो कैसे? गोविंद हमारी जात वाला है और प्रभात दूसरी जात वाला, लेकिन दोनों पढ़ते एक ही कॉलेज में थे। गोविंद कैसा है?
बैठ जा। और गोविंद और प्रभात पक्के दोस्त थे साहब, लेकिन दुश्मनी की वजह बनी कविता। कविता? ये कविता कौन है? भानु देशपांडे की बेटी है साहब, प्रभात की जाति वाली थी, लेकिन गोविंद से प्यार करती थी। लेकिन साहब पूरा गांव गोविंद और कविता के रिश्ते के खिलाफ था, और प्रभात भी जात पात को लेकर बड़े कट्टर विचार वाला था। और जिस दिन गोविंद कविता को भगा के शादी करने वाला था, उस दिन प्रभात ने ना सिर्फ गोविंद की दोस्ती का, गोविंद का भी अगर भाग गया तो फिर से वापस आया साहब अपने खौफ का साया छोड़ने के लिए। धीरे धीरे प्रभात का प्रभात मोर्चा बना, और साहब ये प्रभात मोर्चा वाले जो लोग हैं ना, वो हमारे जात वाले से गोविंद की जरूरत का बदला लेते हैं साहब। और सर जब भी कोई ऐसा कांड हमारे लोगों के साथ होता है, तब ये प्रभात मोर्चा वाले लोग पीड़ित के घर के बाहर प्रभात मोर्चा ऐसा लिखते हैं, जैसे कि काका काकी के घर के बाहर भी लिखा है साहब। तेरे काका के आस पड़ोस वालों ने कुछ भी नहीं बताया कि वहाँ क्या हुआ? साहब किसी ने कुछ देखा भी होगा ना, तो भी प्रभात मोर्चा के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा नहीं। साहब सुना है कि कल रात माधव बस अड्डे पे उतरा तो सूरज पाटिल और उसके आदमी ने बहुत पीटा उसको। ये सूरज कौन? जमींदार दिगंत पाटिल का इकलौता बेटा है साहब। दरअसल मेरे काका उन्हीं के यहाँ साफ सफाई का काम करते हैं। दिगंत पाटिल और सूरज पाटिल का प्रभात मोर्चे से क्या कनेक्शन? साहब प्रभात उन्हीं की जात वाला है ना, और जब से ये प्रभात मोर्चा बना है तब से दिगंत और सूरज पाटिल ही क्या, उनकी हर एक जात वाला हमारे जात वालों को आग दिखाता है साहब। अरे आसपास में पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो। हाँ सर। आस पड़ोस में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। साहू सचिन दिगंत पाटिल के यहाँ काम करता था, सचिन के बेटे की सूरज के साथ मारपीट की बात भी सामने आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन की किसी गलती की वजह से या किसी और वजह से दिगंत पाटिल ने प्रभात मोर्चा के नाम से उसके मुलाजिम के परिवार को सबक सिखाया हो? चलो दिगंत पाटिल तुम इसका तो बोला। और ये आपका बेटा सूरज जी। काय काम कर लो? नहीं आज ये सरकारी मुलाजिम हमारे घर में। आपका मुलाजिम सचिन अपने बीवी बच्चों समेत गायब है, पता होगा ना आपको? तो मैं भी हैरान हूँ, ये दो दिन से काम पे नहीं आ रहा था ना। हाँ अपने बेटे से पूछा आपने? सुना है सूरज ने सचिन के बेटे की कल बहुत पिटाई की। उसको गाँव में आना मना है। अब तक आया है? वो तो पंचायत का फैसला है ना। पंचायत भी तो आप ही लोग चलाते हैं। वैसे मैंने सुना है कि इस गांव पे वर्चस्व प्रभात मोर्चा का है। हाँ प्रभात और प्रभात मोर्चा इस गांव की ढाल है, रक्षक है हमारे। किससे रक्षा करते हैं? उन गरीब बेसारों से जो दो वक्त की रोटी के लिए आप जैसों के मोहताज है। इंस्पेक्टर ये आधी अधूरी जानकारी लेके आप पूरी बात बताइए ना, मैं पूरी बात सुनूंगा। हाँ तो सुन लीजिए और समझ भी लीजिए, प्रभात और प्रभात मोर्चा अगर नहीं होते तो ये गोविंद जैसे न जाने कितने हमारे बहु बेटियों का जीना मुश्किल करते थे। क्यों दिख रहे? बहू है इस घर की, देखो शर्म और लाज से कैसे ढकी हुई है। क्यों? खानदानी है। अगर दूसरे किसी भी जात का कोई भी इसको बुरी नजर से देखेगा तो उसको सबक सिखाना कर्तव्य है हमारा। क्या है? कर्तव्य है कि नहीं? और जिस माधव की पैरवी करने आप आए हो ना, उसने गोविंद को बढ़ावा दिया कि हमारी जात वाली लड़की को भगा के ले जाए, तो जहां से आया ना वही भेज दिया उसको। कहां भेज दिया? अरे दाव देना, नरक में गया होगा, वही जगह उसके लिए ठीक है। ये गांव तो नरक बनने से बच गया ना। तो आप और आपके प्रभात मोर्चा का मिशन गांव को स्वर्ग बनाना है। जरा बताएंगे आपके इस प्रभात मोर्चे का करतारता कहां मिलेगा? वो मसीहा है हमारा, मसीहा। उसका पता तो फरिश्ता भी नहीं बता सकता। आपके इस मसीहा की पड़ताल में अब हम लग गए, देखिएगा कहीं आप भी लपेट में ना आ जाए। सचिन माधव और इंदु की गुमशुदगी की वजह जानने के लिए हमें प्रभात और प्रभात मोर्चे को जानना होगा। पता करो ये गोविंद कहाँ रहता था, और ये प्रभात मोर्चे से जुड़े हुए लोग कौन कौन है, और ये प्रभात कहाँ रहता था। मासूम गांव वालों के लिए प्रभात किसी भूत से कम नहीं था, जो गांव में अपने मोर्चे के साथ आकर तबाही और अत्याचार का मंजर खड़ा करता था। लेकिन गांव में कोई भी ये पता होने का दावा नहीं करता था कि प्रभात अब कहां रह रहा था।
और ना ही ये बात पूरी तरह से स्पष्ट थी कि उसने वाकई में अपने दोस्त गोविंद की हत्या की थी। और उस हत्या के बाद कविता अब कहाँ थी, इसका भी कोई पुख्ता स्पष्टीकरण नहीं था। और ये सवाल भी बना हुआ था कि प्रभात का साथ देने वाले प्रभात मोर्चा के लोग कौन कौन थे, क्या इन किस्सों में कुछ सच्चाई थी या फिर प्रभात और उससे जुड़ी सारी घटनाएं सिर्फ एक अफवाह थी। आप हमें कुछ मत पूछे सर, मैं तुम जब पाया पड़ते। ए बाबा काकी घबरू ना कर। साहब यहाँ के लोग भगवान से भी नहीं डरते, अगर हम कुछ बोलेंगे तो मेरे बेटे की तरह मेरे पति को लाश बनाकर पेट पेट लटका देंगे। साहब आपके पति है कहाँ? मैं तुम जब पाया पड़ते सर, आप कुछ मत पूछे, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो सर, कहीं विचार न कहा। हाँ सर। ओ इंस्पेक्टर साहब, ये लाश जहाँ थी ना वहीं पे रहने दीजिए। प्रभात मोर्चा को अगर पता चल गया ना तो एक गोविंद के जात वालों का जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना मुश्किल तो तेरे प्रभात और उसके मोर्चे के आतंकियों का हम करेंगे। 8 महीने से ये बॉडी यहाँ लटक रही थी, किसी ने पुलिस को सूचित नहीं किया। प्रभात भाऊ के खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं है यहाँ पे। अब अगर किसी ने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ किया ना तो बचेगा नहीं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और कोई रस्ते में आए तो उसको अरेस्ट करो। सर चला रे। आप लोग हिम्मत रखिए। हमें हिम्मत हार लो सर, हमें हिम्मत हार लो। हमारी हिम्मत उसी दिन जवाब दे गई जिस दिन हमारी बेटी की लाश पेड़ पर टांग दी गई। इन्होंने 6 महीने पहले आपके यहाँ आकर बताने की कोशिश की थी सर, देखिए इनके हाथ पैर काट दिए सर, हाथ पैर काट दिए। देखिए हमें सब कुछ खुल के बताइए, डरिए मत। बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपकी वजह से हमारे बेटे की आत्मा को शांति मिली। बस और कुछ मत पूछिए सर, नहीं तो कजरी के हाथ पाओ। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं सर, तुझे हाथ जोड़ते सर, इसके आगे कुछ मत पूछिए सर, इसके आगे कुछ मत पूछिए सर, हमें कुछ मत पूछिए, कभी चोर वाला पिछले 8 महीनों से प्रभात मोर्चा के लोगों ने इस गांव में आतंक फैलाया। सुनने में आया है कि इस गिरोह के लोग रात को अपने मुंह पे सफेद कपड़ा और चश्मा लगा के अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन गोविंद की हत्या के अलावा और किसी की हत्या की बात सामने नहीं आई। ना ही इंदू माधव और सचिन की तरह कोई गुमशुदा हुआ है। जिन भी घटनाओं के बारे में पता चला है वो गुंडागर्दी या धमकी से रिलेटेड है। लेकिन साहब मुझे लगता है कि सचिन इंदू और माधव गुमशुदा नहीं है, बल्कि उनकी भी हत्या हुई है। और ये प्रभात जिस बिल में छुप के बैठा है ना, उसकी खबर सूरज पाटिल और दिगंत पाटिल को जरूर है। इनके कॉल रिकॉर्ड से कर लो और पिछले 8 महीनों की इनकी सारी एक्टिविटीज चेक करो। हो सर। हेलो खंडे बोला। ठीक है माला SMS कर। फिर इस प्रभात के माँ बाप के बारे में पता चला है, गोविंद की मौत के बाद वो पुणे शिफ्ट हो गए थे। जी साहब हम सच कह रहे हैं, गोविंद की हत्या के बाद तो हमने प्रभात को देखा भी नहीं और अब तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्यों? उसके कारण तो हमारा सिर शर्म से झुक गया। हमने प्रभात को यह शिक्षा दी थी कि जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं देखना, पर उसके किस्से सुन सुन के तो हम अपने आप को कोसने लगे। हमने ये भी सुना कि गोविंद को मारने के बाद प्रभात कविता को लेकर। हमने प्रभात को ही नहीं देखा तो कविता के बारे में क्या बताएंगे आपको? मुझे लगता है ये लोग ढोंग कर रहे हैं। पुलिस के इन्वॉल्वमेंट को देख के हो सकता है प्रभात ने इन्हें अलर्ट कर दिया हो और ये प्रभात की पढ़ाई पट्टी बोल रहा हूँ। इनके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो और नजर रखो, प्रभात और कविता इनके टच में हो सकते हैं। तो चांसेस तो ये भी है कि कविता के पेरेंट्स भी प्रभात या कविता के टच में हो। बात करनी पड़ेगी उनसे। प्रभातला बगित लेना। हाँ बगित लेना। आखिरी बार कब देखा? काफी टाइम हुआ देखे, लेकिन एक बात तो सच है साहब, इस कविता ने हमें शर्मिंदा कर दिया था। किसी दूसरे जाति के लड़के के साथ भाग रही थी वो, लेकिन इस प्रभात ने हमारी लाज रख ली है, अपने साथ वो उसे लेके भागा है। लगता है प्रभात को प्रभात भाऊ बनाने में आप ही का हाथ है, क्योंकि वो आपकी बेटी से इश्क कर बैठा। हाँ अब प्रभात हमारा हीरो है,
लेकिन हमने कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया साहब। तो किसने दिया? दिगंत पाटिल और उसके बेटे ने? नहीं, अब ये हमें कैसे पता चले? पता आपको सब है, लेकिन आपकी और आपकी जात वालों की बुद्धि पर भेदभाव का ही नहीं षड्यंत्र का कोहरा रचा हुआ है, और जब ये कोहरा छटेगा ना तो प्रभात के पीछे खड़े हुए सारे चेहरे साफ हो जाएंगे। प्रभात की जात वाले उसको अपनी ढाल समझते हैं, लेकिन वो खुद भी उसकी ढाल बने हुए हैं। अब ये प्रभात मोर्चा चलाने के लिए उसने लोग बाहर से तो इंपोर्ट किए नहीं होंगे, इसी गांव के लोग हैं जो मुंह पे गमछा और चश्मा लगा के दूसरी जाति वालों को डराते हैं। सर, मैं प्रभात के कॉलेज के दोस्तों का पता कर रहा था, तब एक बात मेरे सामने आई कि गोविंद के साथ कोई माधव भी था जो इसी गाँव का है और प्रभात के साथ पढ़ता था, लेकिन पिछले 8 महीने से उसने पढ़ाई छोड़ दी और अभी मुंबई में नौकरी करता है। पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ी? सर, वजह का तो पता नहीं चला, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड से एक बात सामने आ गई है कि उसकी आखिरी कॉल गांव की जयश्री गोडसे को की गई थी। माधव उसको अक्सर कॉल करता था। सर, कौन है ये जयश्री गोडसे? सचिन और इंदु के पड़ोस में रहती है सर। जी साहब, जयश्री गोडसे यहीं रहती है? जी, वो मेरी पत्नी है, लेकिन आप यहाँ साहब? हमें उससे बातचीत करनी है। साहब, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हम उसे कोई तकलीफ नहीं देंगे, उससे कुछ पूछताछ करनी है। तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हमें बस ये जानना था कि सचिन और उसके परिवार के गायब होने से पहले माधव ने आपको फोन किया था, क्या बात हुई थी आपकी उससे? साहब, इंदु मौसी ने माधव को मेरा नंबर दे रखा था, कभी कभी उनका फोन नहीं लगता ना तो माधव मुझे फोन करके मैसेज भिजवाता था। उस रात क्या मैसेज दिया था उसने? वो साहब, उसने बोला कि आई को बोलना कि मेरे को फोन करे। तो ये मैसेज आपने उनको दिया? हाँ साहब। मतलब तब तक प्रभात मोर्चा ने अटैक नहीं किया था? अच्छा, ये बताइए, आप तो दूसरी जात वाली है ना, तो इस तरह रोज रोज उनके घर जाके मैसेज देने में आपको खराब नहीं लगा? साहिब, ऊपर वाले ने केवल दो ही जात बनाई है, औरत और मर्द। मतलब आप जात पात में नहीं मानती? साहब, जात पात तो हमने नहीं, हमारे पूर्वजों की दी हुई परंपरा है, और साहब हमें नहीं पता है कि उस रात सचिन और उसके घर वालों के साथ क्या हुआ। वैसे आपको इतनी चोट कैसे आई? साहब, वो मैं गिर गई थी। दवा क्यों नहीं लगाया? चलो आप, मैं लगा देता हूँ। सर, गोविंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सर पे गहरी चोट का निशान है, हाथ और पाँव भी काटे गए, शायद किसी कुल्हाड़ी से। इसका मतलब गोविंद के पिता तीर्थ के हाथ और पैर भी 6 महीने पहले किसी कुल्हाड़ी से काटे गए। सर, वो तीर्थ ही है जिसने इन प्रभात मोर्चा वालों को करीब से देखा है, अगर वो बयान देने के लिए मान जाए तो शायद हम उन तक पहुंच सकते हैं। मैं गोविंद के परिवार से बात करने की कोशिश करता हूँ। तुम ये पता लगाओ गांव में किस किस के पास सफेद गमछा, चश्मा और कुल्हाड़ी है। इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन जिसके पास है उससे हमें प्रभात मोर्चा के बारे में कोई ना कोई क्लू डेफिनेटली मिलेगा। हो सर। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बाद आखिरकार गोविंद की लाश को उसकी हत्या के 8 महीने बाद चिता नसीब हुई। पुलिस एक तरफ प्रभात मोर्चा से जुड़े लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ गोविंद के पिता से भी बयान लेने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, मैं समझता हूं कि आप किस मुसीबत और दर्द से गुजरे, सिर्फ इतना बता दीजिए वो कौन लोग थे जिन्होंने सफेद गमछा और चश्मा लगा के आपके हाथ पैर। साहब, आपने हमारे बेटे को चिता दिलाकर बहुत एहसान किए, अब हम आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं दे सकते। हमारा सहारा नहीं रहा, लेकिन हम मरते दम तक एक दूसरे का सहारा बने रहना चाहते। आपसे कुछ बोला तो क्या पता एक दूसरे का मुंह भी देखने को तरस जाए। प्रभात भाव के रहते हुए हमारी जाति परंपरा से कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभात भाव हमारे मसीहा ही नहीं बल्कि क्या हो रहा है हमें? अच्छा, तो यहां होती है प्रभात मोर्चा की भर्ती।
परिवर्तित तुम करते हो? अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या मुफ्त में प्रवचन दे रहे थे? अरे साहब, ये हमारे गांव की चौपाल है, हम लोग तो यहाँ रोज ही आते हैं, और भाव ने यहाँ पर अपनी फोटो लगा दी तो हम उसको हटा थोड़े ना सकते हैं। प्रभात आता है यहाँ पे? हाँ साहब, कभी कभी। तुमने देखा है उसे? हाँ साहब देखा है, लेकिन यहाँ नहीं। फिर कहाँ? साहब गाँव की सड़क के पास देखा है। नमस्कार भाव। आखिरी बार कब देखा था? साहब काफी दिन हो गए, और मैंने अकेले ही थोड़ी ना देखा है, पूरे गांव वालों ने देखा है साहब। तुम में से किस किसने देखा है उसे? भी देखा है। अरे साहब एक थोड़ी ना है, आप सबसे पूछ लो। प्रभात भाव हमारे लिए हीरो हैं, हम सभी के लिए मसीहा हैं। एक क्रिमिनल तुम लोगों के लिए हीरो है? मेरे लिए ही नहीं, सब बोलते हैं, क्योंकि भाव से सब डरते हैं साहब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है साहब, एक हट्टा कट्टा दूसरी जात वाला पहलवान आदमी हमारी जात वाले को पीट रहा था। और भाव ने उसको ऐसा तोड़ा कि मैं देखता रह गया। साहब उसी दिन मैं समझ गया कि प्रभात भाव हमारी जाति वालों के लिए एक दिन मिसाल बनेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भाव जो है मर्डर भी कर देंगे। सर और 2 करोड़ी मिला है। चलो सर, गांव में कुल 15 घर हैं जहां पे एक गमछा चश्मा और कुल्हाड़ी का कॉम्बिनेशन मिला है, जिनमें से दिगांत सूरज, सचिन और कविता के पिता का घर भी शामिल है। दिगांत और सूरज पाटिल तो हमारे सस्पेक्ट्स हैं ही, कविता के बाप का भी गोविंद को मारने का मोटिव हो सकता है। अब बस देखना यह है कि सबूत किसके खिलाफ मिलता है। सर एक और आदमी है जिसके पास तीनों का कॉम्बिनेशन मिला है, और वो प्रभात मोर्चा से भी जुड़ा हो सकता है। कौन? अरविंद गोडसे। सभी 15 कुल्हाड़ियों को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो। हो सर। सफेद कपड़े और काले चश्मे के बाद अब कुल्हाड़ी के जरिए प्रभात और प्रभात मोर्चा से जुड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फोरेंसिक जांच ने इस केस को दिशा देने की बजाय कई और पेचीदा सवालों में उलझा दिया। सर, फोरेंसिक रिपोर्ट में दिगंत सूरज और कविता के पिता के घर से मिले कुल्हाड़ी पे नहीं, बल्कि सचिन के घर पे मिले कुल्हाड़ी के पीछे वाले हिस्से पे ब्लड के ट्रेसेस मिले, जो गोविंद के खून के साथ मैच करते हैं। साहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन ने प्रभात के साथ मिलकर गोविंद का खून किया हो? पॉसिबल है, क्योंकि सचिन पहले प्रभात के घर पे साफ सफाई का काम करता था। प्रभात ने शायद उसे पैसे देकर मर्डर करवाया, पर सचिन और उसकी फैमिली का गायब होना इस डील का हिस्सा हो, इसलिए जब हम सचिन के घर पे गए। लेकिन गोविंद की हत्या के 8 महीने बाद ऐसा क्या हुआ होगा कि सचिन ने? सर, हाईवे के पास खेत में बॉडी के कुछ कटे हुए हिस्से मिले। सर, बॉडी काफी सड़ चुकी है, बदन के हर हिस्से को अलग अलग करके फेंका गया, पर सर के हिस्से को देख के लगता है कि ये बॉडी सचिन और इंदु की है, और ये खेत प्रभात का है। बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हो सर। सर, सचिन और इंदु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हत्या गला घोट के की गई है। गला घोट के? लेकिन प्रभात मोर्चा वालों के हाथ में तो हमेशा कुल्हाड़ी रहती है, फिर हत्या गला घोट के क्यों की गई? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन की हत्या उसी के जात वालों ने की हो, पर घर के बाहर लिख दिया प्रभात मोर्चा। सब कोई हमारी जाति वाला काका काकी को क्यों मारेगा? क्योंकि सचिन ने भी तो तुम्हारी जात वाले गोविंद को मारा था। क्या? सचिन की कुल्हाड़ी में ब्लड ट्रेसेस मिले जो गोविंद के खून से मैच होते हैं। हमें विश्वास नहीं होता इस बात पे। तुम्हारी जाति वाला कोई ऐसा है जो सचिन का एहसास जान गया हो और जिसके चलते उसका सचिन से झगड़ा हुआ हो? माफ करें साहब, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई हमारी जात वाला काका को मारेगा। अगर समझो काका को मार भी दिया तो काके को क्यों मारेंगे? सचिन और इंदु की हत्या के तार अभी तक प्रभात मोर्चा से जोड़कर देखे तो जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रभात और प्रभात मोर्चा से जुड़े तार नहीं जोड़ पाई थी। माधव की लाश ना मिलने पर पुलिस इन हत्याओं में किसी दूसरे एंगल की संभावना को भी खंगालना चाहती थी, और माधव से जुड़े खुलासों ने इन संभावनाओं में भी संदेह की कई तस्वीरें खड़ी कर दी। सर, माधव के मुंबई वापस पहुंचने के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल नेटवर्किंग साइट के मैसेजेस को पढ़ने से पता चला है उसके और जयश्री गोडसे के बीच में एफआईआर चल रहा था। दोनों के मैसेजेस और मेल्स पढ़ के ऐसे लगता है कि गोविंद के मर्डर के पहले माधव खुद मुंबई नहीं गया, बल्कि उसे गांव से निकाला गया, और सचिन भी माधव और जयश्री के एफआईआर के खिलाफ था। मतलब बाप और बेटे के बीच जयश्री भी तकरार की एक वजह थी, और माधव के गांव आने का पर्पस जयश्री को भगा ले जाना था। ओ साहब, मैं माधव के साथ भागना चाहती थी।
क्योंकि मैं माधव से प्यार करती थी। लेकिन तुम तो शादीशुदा हो। अरविंद ने कभी भी मेरे साथ बीवी जैसा बर्ताव नहीं किया। वो बात भी करता था तो मार के करता था। कितनी बार बोला उसके अत्याचारों से मैं तंग आ गई थी साहब, लेकिन माधव, माधव ने मुझे सांत्वना ही नहीं बल्कि अरविंद को छोड़ने का साहस भी दिया। 9 महीने पहले अरविंद को मेरे और माधव के बारे में पता चल गया और उसने सूरज के साथ मिलकर माधव को बहुत पीटा और ये शर्त रखी कि माधव ये गांव छोड़कर चला जाए। सचिन काका ने माधव को मुंबई भेज दिया, लेकिन मैं और माधव मैसेज और फ़ोन पे बात करते रहे। और फिर उस रात जब माधव मुझे लेने वापस गांव लौटा तो हमें फिर से अलग कर दिया गया। मतलब उस रात अरविंद के कहने पर सूरज ने माधव की पिटाई। साहब, अगर मेरी बीवी को कोई भगाने की कोशिश करेगा तो उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। तो तू उसे जान से मार देगा? साहब, मैंने किसी को जान से नहीं मारा है। तूने सिर्फ उसी को नहीं, सूरज के साथ मिलके उसके आई बाबा को भी मारा है। साहब, मैं मानता हूँ कि माधव के साथ मेरी दुश्मनी थी, लेकिन मैंने किसी को जान से नहीं मारा है। तुझे कैसे पता चला कि माधव गांव वापस लौट रहा है? साहब, वो सचिन दिगान काका के यहाँ बोलने आया था कि उसने माधव को गांव वापस बुलाया क्योंकि वो लोग कुछ दिन के लिए उसके साथ मुंबई जा रहे हैं। मैंने सचिन को अच्छी तरीके से बोला था कि गांव वापस नहीं आएगा माधव, और जब मैं बस स्टॉप पे माधव को सीधा करने के लिए गया तो पता चला वो जयश्री को भगाने के लिए आया है। तो उस रात माधव के साथ उसके आई बाबा को भी अरविंद ने मार दिया? नहीं साहब, उस रात तो अरविंद मुझे यहाँ घर लेकर आया था और अगली सुबह तक साहब वो मेरे साथ जातियां करता रहा। उस रात अरविंद कैसे उनको मार सकता है? तूने नहीं तो सूरज ने उनको खत्म किया होगा। सूरज ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जब मैं जयश्री को लेकर घर पे पहुंचा तब उसका फोन आया। उसने मुझे फोन पे बताया कि उसने माधव को बहुत पीटा है और वापसी की बस पे चढ़ा दिया, और फिर सूरज वहां से अपनी आइटम के पास चला गया। ये सूरज शादीशुदा होने के बावजूद बाहर चक्कर चला रहा है? साहब, वो कुवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है। क्या? हाँ सर। ओ इंस्पेक्टर, अंदर कहाँ जाएंगे? इंस्पेक्टर साहब, मकान। अरे घबराओ मत कविता, सब सच बताओ, क्या हुआ था? साहब, उस दिन प्लान के हिसाब से मैं रोड के किनारे गोविंद का इंतजार कर रही थी। क्या हलो, कहाँ है तू? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ तेरा। ऐसे बात कर। गोविंद, हलो। ऐसा लगा जैसे गोविंद को किसी ने मारा और पीछे से प्रभात की आवाज आई। इससे पहले मैं गोविंद को दोबारा फोन करती, सूरज ने पहले बोला कि वो मेरे आई बाबा को लाएगा, फिर बाद में बोला कि प्रभात गोविंद को मार के भाग गया। तो तुमने मान लिया कि प्रभात ने गोविंद? नहीं साहब, प्रभात गोविंद को नहीं मार सकता। प्रभात ये जात पात में विश्वास नहीं रखता था, यहाँ तक कि हमारे भागने का इंतजाम भी प्रभात ने किया था। गोविंद को किसी और ने मारा साहब, प्रभात तो खुद उसे बचाना चाहता था। मैंने उसकी आवाज सुनी थी फोन पे। हेलो गोविंद, हेलो। तुम्हें क्या लगता है ये सब सूरज के इशारे पे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभात गोविंद को नहीं मार सकता। कविता, तुम पिछले 8-9 महीनों से वहां रह रही हो। दिगंत या सूरज पाटिल के बारे में कोई भी ऐसी बात जानती हो जो हमें गोविंद के मर्डर या प्रभात मोर्चा की असलियत तक जाने में मदद करे? साहब, एक बात अजीब सी है, मैंने सूरज को कई बार एक सफेद गमछे और काले चश्मे में घर में आते जाते देखा था। एक मिनट ठाकुर सिंह, अंदर जाके देखो। नहीं, एक मिनट। नहीं, ये आप वहां से लेके आओ। आप हमारे घर में क्या ढूंढ रहे हो? प्रभात मोर्चा के कर्ता धरता आ गए अपनी असली जगह पे। हम कोई प्रभात मोर्चा की कर्ता धरता नहीं है। प्रभात मोर्चा प्रभात का है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुझे क्या लगता है रे? तेरे ऐसा बोलने से हम मान लेंगे कि प्रभात जिंदा है? प्रभात जिंदा ही नहीं, अमर है और हमेशा रहेगा। उसी ने गोविंद को मारा है,
कविता अपना बयान दे चुकी है कि तूने उसका अपहरण किया। अब छोटे साहब और बड़े साहब सब यही रहेंगे। कविता की तलाश और उसके साथ हुए अपराध के खुलासों ने इस केस को एक घुमावदार मोड़ दिया, लेकिन यह संदेह अब भी बना हुआ था कि क्या प्रभात प्रभात मोर्चा का सिर्फ चेहरा था या प्रभात मोर्चा का कर्ता धरता भी। और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस अब प्रभात की असली शख्सियत को समझना चाहती थी। सर, प्रभात के पिता के बाद से अब भी ऐसा लगता है कि उन्हें प्रभात के बारे में कुछ नहीं पता। और दूसरी ओर गोविंद के माँ बाप सूरज और दिगंत का नाम सुनते ही कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। लेकिन साहब, वो बोले या ना बोले, प्रभात मोर्चा दिगंत और सूरज पाटिल ही चला रहे हैं। लेकिन सर, सूरज और दिगंत ने तो कभी नहीं कहा कि उन्होंने प्रभात को देखा है। ये दावा तो अरविंद का है। साहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि अफवाह उड़ाने वाला और प्रभात मोर्चा चलाने वाला अरविंद है? प्रभात से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए अरविंद इस केस की एक अहम कड़ी था, क्योंकि जो राज अरविंद जानता था वो राज इस केस से जुड़ा दूसरा कोई शख्स नहीं जानता था। लेकिन वो राज थे क्या, ये जानने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी थी। मारना तो मैं माधव को चाहता था, लेकिन दिगंत काका के आगे मेरी एक भी नहीं चली। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने मुझे दो टुक सुना दी। अरे पागल हो गया क्या? माधव को मारेगा तू? तेरी बदनामी होगी, तेरी बीवी के साथ चक्कर है उसका, सब लोग तेरे पे शक करेंगे। चल ले गाड़ी कट। मैं अंदर ही अंदर गुस्से में कुड़ रहा था कि मैं माधव का कुछ नहीं कर पाया। तभी मुझे पता चला गोविंद और कविता का भी लफड़ा चालू है और वो लोग भागने का प्लान बना रहे हैं। मुझे लगा अगर ऐसा हुआ तो जयश्री और माधव के भी हौसले बुलंद हो जाएंगे। तभी मैंने ठान लिया कि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सचिन प्रभात को जानता था, तब मैं उससे मिला। देख, गोविंद और कविता अगर भागे तो जो तेरा तड़ीपार बेटा है ना, उस पे भी गाज गिरेगी। लेकिन अरविंद, मैं क्या करूं? मेरे को सारी की सारी खबर दे, प्रभात कविता और गोविंद को कब भगाने वाला है, समझा ना? और जब प्रभात गोविंद को कविता से मिलाने जा रहा था, तब मैं उन दोनों से मिला। तू क्या भाव, अपनी जात का होकर इसको अपनी जात वाले के साथ भगवाना चाह रहे हो? मैं किसी को बता ना दूं, इसलिए प्रभात मुझे समझाने के लिए साइड में लेकर गया, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। कुछ एंजल ए भाव, अपुन है मोटी बुद्धि का, अपुन कुछ समझने वाला नहीं है, अपुन कह रहे थे ऐसा नहीं होगा। हेलो, क्या हेलो, कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ तेरा, कहाँ है तू? ए ए, सीधे से बात कर। ये बात कर भाव, मैं ठीक कर रहा था। ऐसे बात कर, मेरे को हाथ मत बना। भागूं भाव। प्रभात की लाश को मैंने जमीन में दफना दिया, क्योंकि वो हमारी जात वाला था। लोगों को अगर उसकी लाश मिलती तो मुझ पे शक हो जाता। लेकिन अगले दिन सुनने को मिला प्रभात गोविंद को मारकर कविता को भगा कर ले गया। सच्चाई क्या थी ये मैं जानता था, मैंने उसका फायदा उठाया। लोगों की नजरों में प्रभात को जिंदा रखने के लिए प्रभात को देखे जाने की झूठी खबर फैलाई और प्रभात मोर्चा का निर्माण किया, ताकि इसकी आड़ में माधव की जात वालों से बदला ले सकूं। और आखिरकार तूने माधव से बदला ले ही लिया, उसके आई बाबा को भी मार दिया। नहीं साहब, मैंने सिर्फ गोविंद और प्रभात को मारा, माधव और उसके आई बाबा को किसने मारा मैं नहीं जानता हूँ। मैं खुद हैरान था कि सचिन के घर पे प्रभात मोर्चा किसने लिखा। सर, ना तो हमें माधव की बॉडी मिली है, ना ही जयश्री के कॉल रिकॉर्ड में कोई ऐसा नंबर जो हमें माधव का कोई भी क्लू दे। हम जयश्री के फोन को टैप कर रहे हैं, माधव उसके कॉन्टेक्ट में नहीं है। और सूरज ही वो इंसान है जिसने आखिरी बार माधव को देखा था, और उसने हमसे कहा कि उसने माधव को पीट के बस में चढ़ा दिया था। कौन सी बस में चढ़ाया था माधव को? वो बुल्लाना की साहब, इसे पहचानते हो? ये तो वही है जिसने मुझसे छुट्टा मांगा था। मैंने बोला मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो मुझसे झगड़ने लगा साहब। इसके साथ दो लड़के और थे, अगले स्टॉप पे उतर गए। ये दोनों थे? नहीं साहब, ये दोनों नहीं थे। ये दोनों नहीं, ये भी नहीं थे। फिर कौन हो सकते हैं वो दोनों? सचिन काका बड़ा शान आदमी था साहब, हमारे दादा की पूरी जमीन अकेला हड़पना चाहता था साहब, जिसमें हमारी स्वर्गीय पिताजी का भी हिस्सा था।
वो लोग जमीन बेच के अपनी बीबी बच्चे के साथ मुंबई भाग जाने वाले थे साहब, ये हमें पता चल गया। इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ हम बस स्टॉप पे गए थे उस दिन, और जैसे ही बस चालू हो गई हम चढ़ गए उसमें। साहब हम माधव को बोले कि उसे डिस्पेंसरी ले जा रहे और खेत में ले जाके सामने मार दिया साहब। हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं साले? कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं हम? ए किशोर, पागल हो गया क्या? कुत्ते को मार रहा है। पागल तो तू बना रहा है बुड्ढे, हमारी इसी की जमीन बेचेगा तू? हाँ, तेरे बेटे को तो हमने मार दिया, अब तुम दोनों को मार के सारी जमीन हमारी। दिलीप पकड़ इनको, पकड़ साले। अब क्या कर रहे हैं? देख यहाँ सामने प्रभात की खेती है, ये सब टुकड़े लेके वहाँ जाके फेंकते हैं, गाँव वालों को लगेगा प्रभात नहीं मारा इनको। चल फेंक देते। चल काका काकी की लाश को प्रभात के खेत में फेंकने के बाद हम फिर घर आए साहब, और वहाँ दीवार पे प्रभात मोर्चा लिख दिया ताकि शक हम पे ना जाए साहब। दिलीप और किशोर भी प्रभात मोर्चे का नाम इस्तेमाल करके अपने अपराध से बचना चाहते थे, लेकिन उनकी होशियारी खुद उन पर ही भारी पड़ गई। प्रभात का नाम इस्तेमाल करके जिन अपराधों को आधार दिया गया था, वो सवाल खड़ा करते हैं कि हमारा समाज आज भी जात पात और न जाने कितने तरह के भेदभावों में बटा हुआ है। इंसान की पहचान उसके कर्मों से की जानी चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा समझना अनैतिक ही नहीं, अमानवीय भी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।